इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। वह दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। फायरिंग में आजाद की कार के शीशे भी टूट गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर HR70D0278 दिख रहा है। चंद्रशेखर को देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। यहां से शुरुआती इलाज के बाद सहारनपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दी गई है। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद देवबंद में संगठन के एक साथी एडवोकेट अजय के घर गए हुए थे। अजय की माँ का 2 दिन पहले निधन हुआ था। चंद्रशेखर जैसे ही अजय के घर से निकलकर अपनी कार तक पहुंचे, तभी दूसरी कार से आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दिया। हमले की सूचना चंद्रशेखर के राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी ने ट्वीट कर दी है। लिखा, देवबंद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। यह बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने का कायराना कृत्य बताया जा रहा है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सख्त कार्रवाई और चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग उठ रही है। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण गौतम ने कहा, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है, चाहे वो मुस्लिम नेता हो या दलित नेता हो, उनके टारगेट किया जा रहा है, उन पर गोलियां चलाई जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर यूथ आइकन है। ये गोली उन पर नहीं, यूथ पर चली है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर को Z+ सुरक्षा दी जाए। जिन्होंने गोली चलाई है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश और प्रदेश में माहौल संभालना मुश्किल हो जाएगा। भीम आर्मी के सहारनपुर के जिलाध्यक्ष और प्रत्यक्षदर्शी सोनी अम्बेडकर ने कहा, कार्यक्रम से निकलते ही स्विफ्ट गाड़ी में आए लोगों ने उन पर हमला किया, जिसे उन्हें गोली लगी है। 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। सफ़ेद गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार थे। गाड़ी की खिड़की खुली हुई थी। गाड़ी अनियंत्रित रूप से चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद हमलावरों को जानते हैं। हमलावरों की कार एक जगह सीसीटीवी कैमरे में नजर आई है। पुलिस ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। सहारनपुर की तरफ ये जो रोड सहारनपुर जाता है नागा रेडी वाला है, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी, और नीचे नीचे ही थी उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियां थी? आप लोग कितने थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। अच्छा। हमारे 7 लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी, साथ मौर्य जी और बजपाल जी, गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा हाँ, वो भी हमारे साथ थे तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं।